नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। आज आरके कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों को जागरूक किया गया। बताया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस NLSD की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। इस दिन को विधिक सेवा के तहत प्राधिकरण अधिनियम और वादिकारियों के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क प्रवीण व कानून सेवाओं की पेशकश करना है। ये कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। सचिव यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से पिछड़े हुए वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम के कारण किसी भी प्रकार से किसी विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। रिपोर्ट ऋषि पंडित। महत्वपूर्ण यह है कि हम जाने कि आज का दिवस क्यों मनाया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको हम कैसे उनके अधिकारों के बारे में बताएं, उनको कैसे अधिकारों को। आज 9 नवंबर को हमारा विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश में मनाया जा रहा है। आज आरके कॉलेज में इसके लिए एक सेमिनार था, बच्चों को जानकारी देना था। विधिक सेवा दिवस जो हमारा है, उससे आप जुड़िए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से और समाज के शोषित व वंचित लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें। क्या नाम है आपका? क्या LLB कर रही हैं आप? दस साल आए, क्या जानकारी दी आपको? मैं काफी अच्छा मतलब बताया हमको, और मतलब ये कहा कि मतलब क्या गरीबों के लिए मतलब कोई वैसे लोग हों जो जानते ना हो लॉ के बारे में, या कुछ मतलब जानकारी वगैरह उन्हें ना पता हो ना, तो उनके बारे में उन्होंने बताया। काफी अच्छी नॉलेज मिली। जिस तरह से आपको जानकारी दी गई है, क्या आने वाले समय में ये चीज देखने को मिलेगी आपको? हाँ, हो भी सकता है। लोगों को जागरूक करना। हाँ, जरूर जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय वर्मा। कानून के संबंध विधेयक के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करी, नए स्टूडेंटों को अनुभव शेयर किया और उनको आमंत्रित किया कि वो दीवानी न्यायालय में आए और मध्यस्थता केंद्र वगैरह में जो आप गरीब गुरबा लोग हैं, आपके समाज में पीड़ित लोग हैं, उनकी अगर आप सहायता करना चाहती हैं तो आप बिना अधिवक्ता के भी LLB वाले समय में आप उनकी मदद कर सकती हैं।